आप अपने आईब्रोज़ को अच्छे से ग्रूम कर लीजिए पहले ग्रूम करने के बाद आप उसके ऊपर हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लीजिए अगर कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है आप बेबी पाउडर भी लगा सकते हो या कोई भी टेलकम पाउडर अपने आईब्रो के ऊपर हल्का करके लगा लीजिएगा आज मैं आपको बताती हूँ आप स्केच कलर्स कितने तरीके से यूज़ कर सकते हो आप कोई भी कलर ले लो ब्लैक या ब्राउन अकॉर्डिंग टू योर ब्राउ कलर मैंने दोनों ही मिक्स करके यूज़ किया है फिर अपने आई को हल्का हल्का करके इसे फिल कर लीजिए गाइस ट्रस्ट मी मार्केट में जो ब्राउ स्केचेस आ गए हैं ना बिल्कुल उसी का मुकाबला करता है पता ही नहीं चलेगा कि मैंने स्केच पेन लगाया है मैंने भी रिसेंटली बॉडी शॉप का यू नो आई स्केच खरीदा था इट वॉज जस्ट द सेम बट बॉडी शॉप का थोड़ा महंगा पड़ा था मुझे आपको इसको हल्का करके लगाना है फिर उसके बाद स्पूली की हेल्प से आप अपने ब्राउज को कोम कर लीजिएगा लीव इट फॉर फ्यू सेकेंड्स अच्छे से सूख जाता है यू लिटरली हैव टू यूज मेकअप रिमूवर टू रिमूव दिस ट्रस्ट मी गाइज ये हैक ट्राई करो बहुत अच्छा काम करेगा आपके पास आ, इस फेस्टिव सीजन में आईब्रो पेंसिल नहीं, नहीं है आप इस hack को जरूर करना। ये माई से नेक्स्ट है जो आपको नहीं पसंद है या उसका स्मेल पसंद नहीं है एक्सपायर हो गया है जैसे ये वाला मेरा बेस्ट वे आई यूज इट आप एक स्पूली ले लो उसमें थोड़ा सा बाम ले लो और आप इसको एज अ ब्राउ जेल यूज़ कर सकते हो मैंने ब्राउज जेल अलग से कभी नहीं ख़रीदा मैं अपने इन लिप बाम्स को ही ना एज अ ब्राउ जेल यूज़ करती हूँ एंड दे वर्क ग्रेट आप पार्टी में भी जाओगे ना अपने ब्राउज़ को फिल कीजिए और इसको एज अ जेल यूज़ कीजिए फॉर मैं नेक्स्ट हैक मैं आपको बताती हूँ सही तरीका कंसीलर लगाने का जिससे कि क्रीसिंग का प्रॉब्लम आपको नहीं हो आप सबसे पहले अपने ना आइज़ में कंसीलर लगा लीजिए उसके बाद कोई भी पाउडर पफ लेके साइड में उसको हल्का सा पुल कर लीजिए और फिर अपने कंसीलर को ब्लेंड कीजिए यू विल सी द डिफरेंस कंसीलर अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा और पूरा आईलेट को अच्छे से कवर भी करेगा उसके बाद आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हो या लूज़ पाउडर विच एवर यू आर कम्फर्टेबल विद आप इस तरीके से अपने कंसीलर को आईलेट पर लगाओ आपको क्रीसिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा फॉर माई नेक्स्ट हैक आपको लगेगा ब्लैक कलर का स्केच पेन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आप अपने आईलेट पे हल्का करके कॉम्पैक्ट लगा लीजिएगा जब भी आप स्केच कलर्स एज अ आई लाइनर एज अ ब्राउ यूज़ करोगे मेक श्योर sure आप कॉम्पैक्ट पाउडर पहले उसको लगा लो या लूज पाउडर उसके बाद ही यूज करना तो ज्यादा अच्छा पिगमेंट मिलेगा आपको आप अपने ब्लैक स्केच कलर को एज अ आई लाइनर यूज कर सकते हो दुर्गा पूजा में अगर आपके पास आई नहीं है खत्म हो गया है दिस इज जस्ट अ हैक आप अपना स्केच पेन उठाओ उसको अपने यू नो लेट पर लगाओ यूज इट एज आई काजल मैं प्रेफर नहीं करूंगी बट आई लाइनर ये बहुत अच्छा काम करता है अगर आपको और डार्क करना है अपने यू नो you know, लाइनर को आप इसके ऊपर हल्का सा ब्लैक शेडो लगा लीजिएगा पता ही नहीं चलेगा कि आपने यू नो स्केच पेन लगाया है एंड दिस वर्क्स ग्रेट लगा के छोड़ देना लीव इट फॉर फ्यू मिनट्स ये अच्छा खासा सूख जाएगा बिल्कुल स्मज प्रूफ हो जाएगा कैसे भी स्मज नहीं करेगा यू हैव टू यूज अ मेकअप रिमूवर टू रिमूव दिस तो आप ये हैक जरूर ट्राई कीजिएगा दिस फेस्टिव सीजन एंड लेट मी नो कैसा काम किया आप चाहे तो विंग भी क्रिएट कर सकते हो ग्रिप बहुत अच्छा है बिगनर्स अगर आपको आई लगाना नहीं आता है आप स्केच कलर ट्राई करो प्रैक्टिस करो सीख जाओगे क्योंकि ग्रिप बहुत अच्छा रहता है और फैलता नहीं है सबसे अच्छा बात यही है आप देख सकते हो मेरे आंखों के पास लगे नहीं रहा है मैंने स्केच कलर लगाया यू कैन प्ले विद द कलर्स आप पिंक यूज कर सकते हो ब्राउन यूज कर सकते हो यू कैन प्ले अराउंड विद द कलर्स फॉर मै नेक्स्ट अगर आपने ग्लिटर लगाए हैं द बेस्ट वे यू कैन रिमूव इट आप सेलो टेप ले लो थोड़ा सा अपने फिंगर में उसको उल्टा साइड करके लगा लो उसके बाद आप अपने ग्लिटर्स को रिमूव करो मेकअप रिमूवर से भी अच्छा काम सेलो टेप करता है पहले आप अपने ग्लिटर्स को हटा लीजिएगा तब मेकअप रिमूवर यूज कीजिएगा नहीं तो पूरा ग्लिटर फेस पे फैल जाता है और फिर उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है ट्राई दिस हैक फॉर माई नेक्स्ट हैक आपको लेना है अपना मेकअप रिमूवर आप कोई भी ट्राई कर सकते हो जो भी लिक्विड मेकअप रिमूवर है मैंने यहां एसक्यू का लिया है उसके बाद आप उसको अपने स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिए फिल करने के बाद मैं आपको बताती हूँ द बेस्ट वे यू कैन यूज इट आप अपने ब्रशेस को आराम से इससे क्लीन कर सकते हो आपको अलग से ब्रशेस के लिए मेकअप क्लेंजर लेने का जरूरत नहीं है आप अपने मेकअप रिमूवर को ही यू you नो know, स्प्रे बॉटल में फिल करके यूज कर सकते हो और अपने ब्रशेस को क्लीन कर सकते हो बहुत अच्छा काम करता है ये हैक मैंने रिसेंटली ट्राई किया था क्योंकि मेरे ब्रशेस यू you नो know, थोड़े डर्टी हो गए थे और मुझे वीडियो करना था तो मैंने क्या किया अपना मेकअप रिमूवर से ही क्लीन करके एंड आई डेड द मेकअप वीडियो तो मैंने सोचा था ये हैक आप लोग के संग जरूर ट्राई करूँगी आपको भी टिश्यू ले लेना है या कॉटन ले लेना है और अपने ब्रश को क्लीन कर लेना फॉर माई लास्ट मैं आपके संग शेयर करूंगी आप एक ब्लेंडिंग ब्रश को कितने तरीके से यूज कर सकते हो सबसे पहला तरीका वी ऑल नो आई शेडो ब्लेंड करने के काम आता है ब्लेंडिंग ब्रश उसके बाद आपको क्या करना है आप अपने ब्रश को क्लीन कर लीजिए मेकअप रिमूवर से और टिश्यू में हल्का सा उसको वाइप कर लीजिए यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस फॉर योर नोज कंटोरिंग अगर आप ब्राउन कलर ऑलरेडी अपने लिड पर लगा रहे हो उसी कलर को आप चाहे तो अपने नोज कंटॉरिंग में भी यूज़ कर सकते हो तो काफ़ी अच्छा दिखता है एंड प्लीज जस्ट इग्नोर माई आई मेकअप क्योंकि मैं ये हैक वीडियो कर रही थी तो दोनों आईज मेरा अलग अलग दिख रहा है अलग अलग मेकअप हुआ हुआ है तो जस्ट इग्नोर ओके थर्ड यूसेज आपको अपने ब्रश को क्लीन कर लेना है एंड यू कैन यूज़ इट फोर योर हाईलाइटर मैं अक्सर यू नो ब्लेंडिंग ब्रशेस को ही यूज करती हूँ हाइलाइटर लगाने में फैन ब्रश से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है ये बहुत लोग मेकअप ब्रशेज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप दो तीन ब्रश खरीद लो उसी को ही आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो सो दैट वॉज ऑल फॉर टेडे गाइज आई होप वीडियो काफी हेल्पफुल रहा हो अगर आप कोई भी हैक ट्राई करोगे डू लेट मी नो इन दमेंट बॉक्स बिलो ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल मीडिया सारा डिटेल मैं नीचे इनफो बॉक्स में दे दूंगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू असम बाय